अगर सोचे राजा बन जाए सुखी हो जाए, कोई बन कोई सोचे इंद्र बन जाए सुखी हो जाए, बोले स्वर्ग में इंद्र भी सुखी नहीं है। कोई अगर यहाँ तपस्या करना शुरू कर देना उसका आसन डगमगा जाता है। इसलिए कितना बार तो सुअर बन गया इंद्र, कितना बार अभिशाप पा करके पता नहीं क्या क्या दुर्दशा होगा। क्या देश का पृथ्वी का राजा बन जाए कोई सुखी? बोले नहीं, वो भी सुखी नहीं। इसलिए हमारा देश में जितना प्रधानमंत्री हो सब गोली खाकर मरे, एक महात्मा गांधी भी मरे गोली खाकर, इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी सब गोली गोली खाकर मरे। इसलिए सोनिया इसलिए डर के मारे नहीं बैठती है मेरे को गोली लगने जाए। इसलिए एक पृथ्वी का राजा भी सुखी नहीं है। बोले सुखी कौन है? कहते हाँ केवल भगवत भक्त सुखी है। बोले वो सुख कहाँ पर है? कहते भगवान की वैकुंठ जगत में सुखी है। हाँ, इसका नाम वैकुंठ है। इसलिए ये अद्वैत आचार्य है, अद्वैत आचार्य सदा शिव महाविष्णु है। हाँ, इसलिए वो रहते हैं वैकुंठ लोक में रहते हैं। इसलिए वैकुंठ लोक में ही सही शांति है। इसलिए कृष्ण गीता में बोले तत्प्रसादात परम शांति। बोले हे अर्जुन, कभी जीवन में कोई सुख कभी मिलेगा अगर मेरा कोई भजन करेगा। मेरा भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, ये दुनिया में कहीं शांति नहीं। कोई तन से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन दुखी, कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत होता। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, दुखी संसार है। इसलिए ये शांतिपूर्ण मतलब ये भगवान का बस नित्य धाम है। देखना कितना शांति लग रहा है ना, यहाँ आकर के कितना शांति लग रहा है, एकदम सुनसान बढ़िया शांति। इसलिए ये भगवान का नित्य धाम है। और भगवान जब इस जगत में आते हैं पूरा धाम को लेकर इस जगत में आते हैं। हाँ, इसलिए नवद्वीप में जितने सारे स्थान आपको सुनने को मिलेगा, जैसे ब्रज में कृष्ण जहाँ जैसे जैसे लीला की वो लीला के अनुरूप स्थान है, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आप जाओगे जो जो नाम सुनेंगे वो लीला के अनुरूप सब स्थान नाम पड़ा हुआ है। इसलिए कहते यहाँ पर अद्वैत आचार्य पहले ये श्रीहट्ट में रहते थे, बाद में यहीं पर उन्होंने आए और आकर के उन्होंने देखा कैसे जीव कलयुग में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। हाँ, सब के सब जिसको पास में ज़्यादा पैसा, कुत्ता कुत्तियों को शादी करके लाख रुपया खर्चा करते हैं, बिल्ला बिल्ली एक बिल्ली और बिल्ला के दोनों पक्ष ले लें करोड़ रुपया शादी में व्यय करेंगे, काली दुर्गा पूजा करके और वहाँ पर बलि चढ़ा करके मांस मदिरा खा रहे हैं। भजन भजन से कोई मतलब है नहीं भक्ति से। इसलिए ये सदा शिव विष्णु है। विष्णु का क्या काम? विष्णु का काम है ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना, शंकर जी का काम संहार करना, विष्णु जी का काम पालन करना। हाँ, पालन करना सबसे बड़ा है, सबसे गुरुत्वपूर्ण काम है। इसलिए भगवान विष्णु ने लिया। कहते पालन कैसे करनी चाहिए? कहते एक तक खिला करके और दूसरे भक्ति को द्वारा। हाँ, इसलिए सही जो पालन है भक्ति को द्वारा पालन करनी चाहिए। उन्होंने आकर के देखा जितने जीव सब के सब कृष्ण विमुख है, कोई भजन नहीं कर रहे। इसलिए इनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। कहते अगर मैं अपना प्रभु को प्रकट नहीं करा पाऊंगा, जगत में कोई अगर भजन नहीं करेगा तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर सबके सब खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने सोचा मैं भगवान को जगत में कैसे प्रकट करा सकता हूँ। उन्होंने सोचा जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, मैं हरिनाम संकीर्तन तो कर सकता हूँ प्रचार, लेकिन महाप्रभु कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आने वाले धन्य कलयुग है। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आकर के वो अनर्पित चरणचिरात प्रेम को, जो प्रेम को बड़े दिन से नहीं दिया है, जिस प्रेम को बड़े छुपा करके रखा है, जो गोपी प्रेम है, वो प्रेम को देने वाले महाप्रभु। इसलिए ये काम तो मेरे प्रभु ही दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने का सबसे उपाय सरल उपाय किया। शास्त्र ढूंढते ढूंढते एक श्लोक मिला का अगर कोई आँखों का आंसू को बहाते बहाते हुए एक तुलसी, हाँ, एक गंडू से पानी ले ले, उसमें एक तुलसी पत्ता डाल दे और आँखों का आंसू बहाते हुए अगर भगवान को कोई दे दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं, उसका ऋणी को चुकाने के लिए भगवान खुजलाने लग जाते, सिर का खुज जाते जब ज़्यादा चिंता हो जाए। हाँ, मतलब उसका ऋणी को प्रभु चुका नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने गंगा जल और तुलसी लेकर के उन्होंने भगवान को उन्होंने नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमन, भगवान को उन्होंने पुकारा। भगवान सो रहे थे वैकुंठ में अनंत नाग ऊपर में, लेकिन ऐसे उन्होंने पुकारा भगवान को, आसन को उन्होंने हिला दिया। इसलिए इनका एक नाम है नाड़ा, नाड़ा मतलब जो उन्होंने हिला दिया है। हाँ,
इसलिए महाप्रभु कलयुग में इसलिए आना चाहते हैं, जीव का हरिनाम संकीर्तन को द्वारा तुमको कृपा करेंगे। इसलिए इन्होंने महाप्रभु प्रकट कैसे हुए, वैसे तो कई लोग हरिनाम ग्रहण नहीं करते थे, उसमें हो गया चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में कम से कम लोग हरि बोल करके सबके सब स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा में। हाँ, जिस समय वो हरि बोल करते हुए जा रहे थे उसी को बहाना बना कर, क्योंकि महाप्रभु सबको हरिनाम दिलाना चाहते, उसको बहाना बना करके महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए। इसलिए इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर, जिन्होंने महाप्रभु को जगत में लाए हैं। इसलिए बताया, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई, बोले इनकी कृपा से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। इसलिए ये जो छोटे बालक थे, इनका पिताजी राज पुरोहित था, राजा का पुरोहित है। एक समय राजा को था सख्त राजा, उनको बहुत बड़ी देवी मूर्ति थी। अभी सारा दुनिया लोग दर्शन करने के लिए जाकर देवी को प्रणाम करते थे, लेकिन इनका बचपन का नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष मतलब सख्या भगवान है ना, इसलिए उनका आँख इतने बड़े बड़े कमल जैसे उनका आँख था, इतने लंबे आँख कान तक, इसलिए उनका पिताजी रख दिया कमलाक्ष। सब लोग जाकर के माता देवी को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ये प्रणाम नहीं कर, ये इस जगह प्रणाम। राजा भी आया था, राजा ने उनको पिताजी को पूछा, बोले देखो सब दुनिया आकर के माता को प्रणाम कर रहे, अब तेरे बेटे को तो सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ है। तो उसको पिताजी ने कहा कमलाक्ष माता जी को प्रणाम करो बेटा। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं प्रणाम नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले अगर ये देवी को मैं प्रणाम करूँगा तो ये देवी फट जाएगी, पत्थर का मूर्ति ये फट जाएगी। राजा सुनकर बोले इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सारा दुनिया प्रणाम कर रहे कुछ नहीं हो रहे, अब तू प्रणाम करके फट जाएगा। बोले अगर बोलोगे तो प्रणाम करूँगा। बोले प्रणाम करो हम देखेंगे। इन्होंने उनको इसे एक बार प्रणाम कर, देवी मूर्ति फट गई पूरा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गई देवी मूर्ति। सब लोग समझ गए ये साधारण साधारण नहीं। बोले ऐसे क्यों हो गया? बोले देवी कौन है? कहते ये देवी शंकर जी का पत्नी देवी है ना, भगवान का शक्ति है देवी। कहते ये इनका बहिर का शक्ति। कहते ये अद्वैताचार्य कौन है? कहते सदाशिव है। हाँ, ये मूल शिव, शिव का दो रूप है, मूल स्वरूप सदाशिव है, उनका जो अंश है ये रुद्रशिव है, इसलिए मूल सदाशिव ही है। इसलिए हमारा जो भारतीय संस्कृति क्या है, पत्नी पति को हर समय सेवा करती है, ये हमारे भारतीय संस्कृति है। पति पति पत्नी की सेवा नहीं करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए कभी जो देवी है, कभी जो देवी है वो भगवान की बहरी का शक्ति है। इसलिए पत्नी पति को प्रणाम करती है, पति पत्नी को नहीं, इसलिए वो उनका शक्ति है। इसलिए उनका अंदर में शक्ति नहीं, जो कि साक्षात जो सदा से शंकर जी की प्रणाम को वो ग्रहण कर सके, उनका अंदर में शक्ति नहीं है। इसलिए प्रणाम करके एकदम देवी मूर्ति फट गई एकदम। सब लोग समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं, ये कोई विशेष बालक होगा। देखो ये हमारे भारतीय संस्कृति है, लेकिन अभी धीरे धीरे चुके से बदलते हुए जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो हमारा जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति, वो तो संस्कृति है ही है। इसलिए जितने सारे ग्रंथ वेद पुराण उसी संस्कृति के अनुरूप है। लेकिन प्रेम के द्वारा कभी कृष्ण ब्रज में, हाँ ब्रज में उन्होंने कभी राधा रानी के चरण में जो गिरे वो प्रेम के द्वारा। हाँ, इसलिए कहते हैं ये जो महापुरुष है अद्वैत आचार्य, इनके जीवन में बहुत कथाएँ। ये इनका एक टोल था, जिस टोल में ये बच्चों को पढ़ाया करते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, जिसमें गीता भागवत को व्याख्या करते थे। एक समय ये दो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये महाप्रभु और विश्वरूप, ये दो भाई थे। तब बड़े भाई पढ़ने जाते थे उत्तोल में, निमाई जो छोटे भाई महाप्रभु बच्चे थे, घर में जो रोसी बन जाता था, मैया बोलती थी बेटा निमाई जा बड़े भैया को बुला करके ले आओ, भोजन तैयारी हो गया। महाप्रभु जब जाते थे तो छोटे बच्चे थे, नंगे शरीर में कपड़ा में, बचपन में खेलते थे कूदते थे, नंगे पूरा चले जाते थे। और पास में था टोल, और जब ये जब प्रवेश करते थे, जितने वहाँ बच्चे लोग पढ़ते थे सबके सब बोली बंद हो जाती, सब इनके तरफ में देखने लग जाती थी। अद्वैत आचार्य जी तो टकटक लगाकर इसको ही देखने लग जाती थी, ये कौन है? ये बच्चा आते ही हमारा पढ़ना अपने आप बंद हो जाता है, ये मेरे मन आकर्षण क्यों करता है? और निमाई पंडित हमारे महाप्रभु निमाई
विश्व प्रभु का कपड़े को पकड़ लेते थे, कपड़े पकड़ करके इधर देखते थे, बोले अद्वैत आचार्य अभी तू मेरे को पहचान नहीं रहे हो, तुमने तो मेरे को बुलाया, मैं तो कहा खीर समुद्र में सो रहा था और तुमने बुलाया, अभी तुम मेरे को पहचान नहीं रहे हो, कुछ दिन बाद में पहचानोगे, कुछ दिन बाद में पहचानोगे। इसलिए कहते अद्वैत आचार्य का घर यहीं पर है। महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे फिर उसी समय संपूर्ण नदियाँ महाप्रभु का विरह में सबसे दुखी हो गए, महाप्रभु संन्यास ले लिया। इतने में अद्वैत आचार्य उनको बुला करके यहीं पर ले आए, यहीं पर ले आए और संपूर्ण नवद्वीप वासी सब के सब यहीं पर आए और यहीं पर आकर के महाप्रभु को देखा, जो उनका सुंदर जो घुंघराली केस था सबके सब कटा हुआ है, एकदम तो मुंडन किए हुए चोटी रखे हुए महाप्रभु और ये संन्यास ड्रेस, इसको देख रहे सचिव भैया तो रोने लग गए। हाँ कद मेरा बेटा का इतना सुंदर केस था, बाल था, कहाँ कटवा दिया, संन्यास ड्रेस ले लिया। पर यहीं पर सची माँ ने अपना हाथों से रसोई बना करके अपना बेटे को खिलाया करती थी, बोले बेटा जब तक दो चार दिन जाओगे मेरे हाथ का भोजन करो, बेटा तुम ज़्यादा दूर मत जाया करो, कम से कम मेरे को खबर मिले तुम सुख में हो। बोले मैया मैं कहाँ, तुम जहाँ आदेश दोगे वहीं जाऊँगा। कि तुम जगन्नाथ को जाकर बोले ठीक है। महाप्रभु ने कहा देखो मैया मैं तुम्हारा पागल बेटा हूँ, पता नहीं मेरा बुद्धि क्या हो गया संन्यास में, इसलिए मेरे को माफ़ कर दे मैया। खैर इसलिए महाप्रभु यहाँ पर कुछ दिन तक रहे और मैया के हाथ में भजन धारण किया और फिर यहीं से महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी। ऐसे अद्वैत आचार्य बहुत सारी कथा है, खैर और आएंगे तो और कथा सुना, ठीक है। वैसे अद्वैत आचार्य की